हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ही ज्यादा स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईफोन के टॉप बेस्ट लेटेस्ट और न्यू आईफोन ट्रिक्स एंड टिप्स के बारे में, जिनके बारे में आप सभी को बिल्कुल भी नहीं पता होगा। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे आईफोन में सफारी ब्राउजर के हिडन फीचर्स के बारे में, बिल्कुल नए हिडन फीचर्स हैं। तो सबसे पहले आपको सफारी को ओपन करना है। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हो, मैंने इस एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक लिंक है जो कि मैं ओपन करना चाहता हूँ। तो डायरेक्टली हम कैसे ओपन कर सकते हैं दूसरे पेज में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे मैं इसके ऊपर सिंगल टैप करता हूँ तो ये मेरा इसी पेज में ओपन हो जाता है, ये जो सेकंड वाला लिंक है। बट मैं चाहता हूँ कि ये जो सेकंड वाला लिंक है मेरे नए टैब में ओपन हो, तो वो मैं कैसे ओपन कर सकता हूँ। इसके लिए आपको सिंपली सबसे पहले अपनी सेटिंग्स की ऐप में जंप करना है और यहाँ पर आपको सफारी ब्राउजर को सर्च करना है। तो यह है अपना सफारी ब्राउजर, इसके ऊपर टैप करना है। तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल अप करना है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ओपन लिंक का ऑप्शन। तो ये है ओपन लिंक, तो इसके ऊपर आपने टैप करना है। तो यहाँ पर आपको इन बैकग्राउंड के ऊपर आपने टैप कर देना है। तो जैसे यहाँ पर बैकग्राउंड के ऊपर टैप करोगे, अब आपको सफारी ब्राउजर में एंटर करना है। तो यहाँ पर आपको टू फिंगर्स के साथ इस लिंक के ऊपर टैप करना है। जैसे यहाँ पर टू फिंगर्स के साथ लिंक के ऊपर टैप करोगे तो आपके सामने ये जंप होकर आपके इस नए टैब में आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर इस टैब के ऊपर टैप करना है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये जो सेकंड वाला लिंक है वो यहाँ पर डायरेक्टली ओपन हो चुका है किसी नए टैब में। तो इस तरह से आप अपने इस नए फीचर को यूज कर सकते हो सफारी ब्राउजर में कुछ इस तरह से। बस आपको यहाँ पर टू फिंगर्स के साथ इस लिंक के ऊपर आपने टैप करना है और आपका जो नया लिंक होगा वो आपके नए पेज में नए टैब में ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। गाइस, आप नया टैब भी क्रिएट कर सकते हो कुछ इस तरह से। जैसे मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ और आपको यहाँ पर स्वाइप करना है लेफ्ट के साइड, तो आपका नया टैब यहाँ पर क्रिएट हो जाता है आपके आईफोन में। तो गाइस, यहाँ पर आप अपने आईफोन में अगर आप स्क्रॉलिंग करते हो किसी वेब पेज में आप चले गए हो, तो आपको यहाँ पर एक बार देखने को मिलेगी। इस बार के ऊपर आपने लॉन्ग टैप करके रखना है। जैसे ही आप लॉन्ग टैप करोगे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा अपने सफारी ब्राउजर में स्क्रॉलिंग करना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा अपने सफारी ब्राउजर में। कुछ इस तरह से आप बहुत ही तेज़ी से स्क्रॉलिंग कर सकते हो अगर आपने बहुत ही बड़ा पेज ओपन कर रखा है सफारी ब्राउजर में। कुछ इस तरह से आप इसे स्क्रॉल कर सकते हो। बस आपको यहाँ पर इस बार के ऊपर आपने लॉन्ग टैप करके रखना है और आपके हाथ में ये बार आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते जाना है बड़ी ही तेज़ी के साथ। इस तरह से आप स्क्रॉलिंग कर सकते हो अपने सफारी ब्राउजर में। तो अब हम बात करेंगे आईफोन में हम डिफरेंट फेस आईडीज को कैसे ऐड कर सकते हैं, एक से ज्यादा फेस आईडी को कैसे ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग्स की ऐप में जंप करना है और यहाँ पर आपको फेस आईडी एंड पासकोड की ऑप्शन देखने को मिलेगी। फेस आईडी एंड पासकोड के ऊपर टैप करेंगे, अपने पासकोड को एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करोगे अपने पासकोड को, अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सेटअप फेस आईडी विद मास्क और ग्लासेस और अल्टरनेटिव अपीयरेंस। तो आपने इस ऑप्शन के ऊपर टैप कर देना है। मैंने पहले से ही अपनी एक अल्टरनेटिव अपीयरेंस को ऐड कर रखा है जिसके साथ मैं अपनी दो फेस आईडीज को यूज़ कर सकता हूँ एक ही टाइम के ऊपर। कोई और पर्सन भी आप सेटअप कर सकते हो, उसकी फेस आईडी को सेटअप कर सकते हो अपने एक ही डिवाइस में, जिसके साथ आपके डिवाइस में दो फेस आईडी लॉगिन हो जाएंगी और आप दो फेस आईडी के साथ अपने डिवाइस को अनलॉक कर सकते हो कुछ इस तरह से। अगर आपको ग्लासेस के साथ अपने फेस आईडी को सेटअप करना है तो ग्लासेस के ऊपर आपने ऐड करना है, तो कंटिन्यू के ऊपर आपने टैप कर देना है। आप अपनी फेस आईडी को यूज कर सकते हो किसी भी आईफोन में, दो फेस आईडीज को यूज कर सकते हो। तो गाइस, यहां पर थर्ड नंबर के ऊपर आती है अपनी फोटोज ऐप के हिडन फीचर के बारे में, जो कि हमें iOS 16 में देखने को मिलता है। अगर आप किसी एक फ़ोटो को एडिट कर लेते हो तो आप चाहते हो कि उसकी जो एडिटिंग आपने की है वो आप कॉपी करना चाहते हो और पेस्ट करना चाहते हो किसी दूसरे फ़ोटो में, तो वो बड़ी ही आसानी से कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर एडिट के ऊपर टैप करना है, इस फ़ोटो को आपने एडिट करना है। मान लो कि मैंने इस फ़ोटो में ये एडिटिंग यहाँ पर मैंने करनी शुरू कर दी है कुछ इस तरह से। मैं चाहता हूँ ये जो सेटिंग्स मैंने की हैं एक ही फ़ोटो में, वही सेम सेटिंग मेरे को दूसरी फोटोज में देखने को मिले। अब आपको इसे डन के ऊपर टैप कर देना है। तो यहाँ पर थ्री डॉट्स के ऊपर टैप करना है, कॉपी एडिट्स के ऊपर आपने टैप करना है। जैसे ही यहाँ पर कॉपी एडिट्स के ऊपर टैप करोगे, अब आपको किसी दूसरी फोटो को ओपन करना है।
जैसे कि मैं इस फोटो को ओपन करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर थ्री डॉट्स के ऊपर टैप करना है, तो यहाँ पर पेस्ट एडिट्स के ऊपर आपने टैप कर देना है। जो भी आपने वहाँ पर उस फोटो में एडिट्स को कॉपी किया होगा वो सारे के सारे एडिट्स यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगे। वही सेम फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, वही सेटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी जो आपने पहली फोटो में आपने क्रिएट की थी, सेव की थी। तो इस तरह से आप बहुत सी मल्टीपल फोटोज़ को एडिट कर सकते हो एक ही सेकंड में अपने किसी भी आईफोन में। अब हम बात करेंगे कैसे हम किसी की भी वीडियो को सीक्रेटली कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने आईफोन के लॉक स्क्रीन के ऊपर आना है और यहाँ पर आपको स्वाइप करना है जिसके साथ आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर वीडियो के मोड में आ जाना है। अब आपको यहाँ पर स्वाइप करना है तो यहाँ पर आपको फिर से ओपन करना है अपने कैमरा को कुछ इस तरह से। आपके सामने ये जो है वीडियो का मोड ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर अपने बटन को स्टार्ट करना है, ये वॉल्यूम बटन को प्रेस करना है। इसके साथ आपकी वीडियो यहाँ पर रिकॉर्डिंग होना शुरू हो चुकी है, आप सभी देख सकते हो। अब आपको इसको कवर कर देना है, लॉक स्क्रीन को कुछ इस तरह से आपने होल्ड करके रखना है। कुछ इस तरह से आप किसी की भी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। गाइस अब हम बात करेंगे आईफोन में बैक टैप के फीचर के बारे में। बैक टैप का फीचर कैसे काम करता है, इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशंस में काम करेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर डबल टैप करता हूँ बैक साइड के ऊपर तो मेरा कैमरा का एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाता है। तो इसे कैसे सेटअप करेंगे, आप कुछ भी यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपको स्क्रीन शॉट करना है बैक टैप के ऊपर डबल टैप या ट्रिपल टैप करके, वो भी आप कर सकते हो। इसके लिए आपको सेटिंग्स की ऐप में जंप करना है, तो यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटीज के ऊपर टैप करना है। टच के सेक्शन पे जाएंगे, बॉटम पे आपको बैक टैप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस ऑप्शन के ऊपर टैप करेंगे और यहाँ पर आपको ट्रिपल टैप या डबल टैप का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। डबल टैप के ऊपर मैं चाहता हूँ कि मेरे आईफोन का जो स्क्रीनशॉट हो जाए, तो स्क्रीनशॉट को आपने टैप कर देना है। अब आपको यहाँ पर डबल टैप करना है बैक साइड में तो आपका आईफोन आपको स्क्रीनशॉट कर देगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से आप बैक टैप के फीचर को यूज़ कर सकते हो अपने किसी भी आईफोन में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।